न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त ने किया खजनी पीएससी बासगांव सीएससी हरियरपुर बसिया खोर गांव का निरीक्षण। कार्यों में लापरवाही पर एमवाईसी खजनी डॉक्टर महेश कुमार से स्पष्टीकरण लेने के साथ वेतन रोकने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस के चक्र को रोकने के लिए गोरखपुर किराना कमेटी 9 से 14 जुलाई तक किराना की दुकानों को बंद करने का किया ऐलान। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किया गया निर्णय। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कामगारों एवं श्रमिकों को सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक सेवा योजन एवं रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी क्षमता के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने हेतु गठित समिति की बैठक। कहा संबंधित विभाग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराए रोजगार। माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा स्वयं प्रभा टीवी चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं छात्र। कोविड-19 के संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री और विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तहसील सदर क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण। लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के प्रति किया जागरूक। कहा आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी। भारत नेपाल मैत्री समाज ने मंगलवार को एम्स परिसर में किया पौधारोपण। एम्स की डायरेक्टर ने कहा सभी व्यक्ति पौधारोपण में दें अपनी सहभागिता। गोरखपुर जिले में मंगलवार को मिले 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 485 जबकि 306 हो चुके हैं डिस्चार्ज। लखनऊ में भर्ती एक कोरोना पीड़ित महिला की हुई मौत। कोरोना से मृत मरीजों की संख्या 13 से बढ़कर हुई 14। एक्टिव केस 165। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। गोलघर स्थित प्राचीन काली मंदिर का पुनः किया गया जीर्णोद्वार। 3 दिनों तक पूजन हवन के बाद स्थापित हुई देवी देवताओं की प्रतिमाएं। और लगातार हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। किसानों के लिए बरसात साबित हो रही है वरदान।